जनता समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 राज्यों में किफायती तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं, जिसमें इंदौर भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2021 के पहले दिन भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से एक आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। उसके साथ ही लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखूंगा और पीएम आवास योजना और आशा इंडिया अवार्ड्स वितरित करेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने इंदौर पहुंचे नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लिया तैयारियों का जायजा। नए साल के शुरुआत में भी अन्नदाताओं का आंदोलन जारी है। आज अन्नदाताओं के आंदोलन का 37वां दिन है। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलनों की वजह से दिसंबर तिमाही में 70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। इस बात का अनुमान पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से लगाया गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार आपूर्ति व्यवस्था बाधित होने की वजह से इस नुकसान का असर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। आंदोलन की वजह से उन जगहों पर ज्यादा नुकसान हुआ है जहां कच्चे माल की आपूर्ति होती है, लेकिन केंद्र सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। किसान संगठन और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। WHO ने फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इजाजत देने के बाद WHO ने कहा कि वो दुनिया भर में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए वहां के देशों से वैक्सीन के लाभ के बारे में बातचीत करेंगे। संस्था की मंजूरी मिलने के बाद अब दुनिया भर के देशों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। WHO ने कहा कि इस वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद कोरोना से मौत की आशंका कम हो जाती है। संगठन ने यह भी कहा कि हमने इस वैक्सीन को जल्दी मंजूरी इसलिए दे दी है ताकि सभी देशों तक इसकी डोज पहुंचने में देरी ना हो। हालांकि वैक्सीन के सबसे पहले इस्तेमाल को ब्रिटेन ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद अमेरिका, इजराइल समेत कई देशों ने वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी थी। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। इंतजार करिए हमारी अगली खबर का। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।